जी वैसे तो मैं 7 साल की उम्र से कर रही हूँ, लेकिन अभी ये जो एग्ज़िबिशन है ये 3 साल के बाद कंप्लीट हुआ। नहीं, मेरी कोई एग्ज़िबिशन नहीं, मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जो है मैंने पार्टिसिपेट किया है। बस मैंने यही है कि एक नई ट्रेंड को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसमें पेंटिंग्स की जो शेप हैं वो इरेग्युलर हैं और बहुत वाइब्रेंट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, ताकि जब भी कोई इसके इनकी तरफ देखे तो वो एक अच्छी फीलिंग आए, एक हैप्पी नेचर बने उनका। देखिए, हुकूमत सिंध अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं कल्चर की प्रमोशन के हवाले से और आर्टिस्ट को इनक्रेज करने के हवाले से, उसके लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर काम कर रही है, और इस वक्त कल्चर डिपार्टमेंट ने खासा काम किया है आर्टिस्ट की प्रमोशन के लिए। आज भी अगर किसी आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ होती है तो वो बिला झिझक हुकूमत कि किसी भी सतह पर अप्रोच कर सकते हैं। और मैं आपके तवस्सुत से ये भी यकीन दिलाना चाहूँगी कि देखिए, आर्टिस्ट हसास तबीयत का मालिक होता है। मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से मदद मांगने कहीं निकलता है, लेकिन जो उसका काम है वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर हो सकता है, उसे फैसिलिटेट या उसे सपोर्ट ज़रूर किया जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो आगे आएगा और हुकूमती सतह पर उसके टैलेंट को वो दिखाएगा या पहुंचाएगा या अपनी ज़रूरत का इजहार करेगा, तो हुकूमत बिल्कुल हाजिर होगी उनकी हर किस्म की मदद के लिए।